Hello students, welcome to NIOS Vision Point and this is Khushbu Ma'am once again. Now, today we are going to start with chapter 2 again and lecture number 2 and the topics that we are going to cover today is functions of commercial banks and types of bank accounts. So, banking, bachcho, jo banking ek topic hum last हमने स्टार्ट किया था सो हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स मैंने आपको बताए थे तो उन्हीं टाइप्स ऑफ बैंक्स में से एक बैंक था कमर्शियल बैंक और उसी कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं एग्जैक्टली उसके क्या क्या काम होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज बैंक अकाउंट किस किस तरीके के बैंक अकाउंट्स होते हैं हमारे ओके ओके फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स सो There are two functions of commercial banks. First one is primary function and the second one is secondary function. ठीक है? Okay. Now, primary function जो होता है हमारा, the primary function में दो काम होते हैं. The two things which are included. First part is accepting deposits and the second part is lending money. पहला इनका काम क्या होता है? Deposit accept करना. मतलब जो हमारी Okay. हमारी जो पब्लिक होती है या हम कहते हैं इंडिविजुअल्स राइट जैसे हम जैसे लोग राइट इनके पास क्या होता है मनी होता है राइट हम सबके पास मनी होता है नाउ जो मनी हमारे पास सरप्लस में होता है मतलब कि एक्स्ट्रा होता है द एक्स्ट्रा मनी जो कि हम क्या करना चाहते हैं सेव करना चाहते हैं उसको बचा के रखना चाहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं बैंक में जाके कमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं और जब हम जाते हैं तो बैंक का काम क्या होता है वो हमारे डिपॉजिट को क्या करता है एक्सेप्ट करता है ओके एंड द सेकेंड वन इज लेंडिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स राइट लोन्स या और भी सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करता है जो मैं आपको आगे इस पीपीटी में बताऊंगी ओके Now, let's see accepting deposits ko detail mein padhte hain. It says, the most important activity of a commercial bank is to accept deposits from the public. To sabse important activity kya hoti hai commercial bank ki? Ki wo public se kya karta hai? Deposits accept karta hai. Okay? People who have surplus income. People who have surplus. Surplus matlab hota hai extra income. Jo wo paise kharch karne ke baad bhi bach jate hain. इनकम एंड सेविंग्स और उनके पास कुछ सेविंग्स हैं उन्होंने पैसे क्या कर रखे हैं कलेक्ट करके रखे हैं इकट्ठा करके रखे हैं दे फाइंड इट कन्वीनियंट टू डिपॉजिट इट विद बैंक्स दे फाइंड इट कन्वीनियंट उनको ज़्यादा सहूलियत ज़्यादा आसान लगता है कि वो बैंक में जाके वो पैसा क्या कर दें डिपॉजिट कर दें ना फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर्स अब कस्टमर्स की भलाई के लिए कन्वीनियंस के लिए जो बैंक होते हैं दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स तो डिपॉजिट्स के भी क्या होते हैं बच्चों अलग अलग अकाउंट्स होते हैं मतलब बैंक भी अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज देता है और जो कस्टमर्स होते हैं वो उनमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है वो अपने लिए क्या करते हैं चूज करते जैसे कि ओके डिपॉजिट अकाउंट्स लाइक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स ये रेकरिंग अकाउंट देन करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट एक्सेट्रा विथ वेरिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट और इन सारे अकाउंट्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है अलग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम पैसे बैंक में जमा करते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा भी तो मिलेगा तभी हम बैंक में जाके जमा करेंगे राइट सो बैंक में जो आप पैसे क्या करते हो डिपॉजिट करते हो राइट तो उसके बदले में बैंक हमें क्या पे करता है इंटरेस्ट पे करता है अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का अकाउंट बैंक के साथ ओपन किया है तो डिपेंडिंग ऑन अकाउंट आपका इंटरेस्ट भी क्या होगा अलग होगा ओके पब्लिक इज ऑल्सो अश्योर्ड ऑफ द सेफ्टी ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड विद इन द बैंक प्लस पब्लिक को ये भी पता अश्योर किया जाता है कि आपके जो भी पैसे बैंक में हैं वो पैसे क्या हैं सेफ है ओके वन मोर थिंग दिस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट रेकरिंग अकाउंट करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट ये अकाउंट डिटेल में हम इसी आज ही इसी लेक्चर में करेंगे आगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में तो यहाँ पे मैं वो
डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं समझा रही हूँ बच्चों, यहाँ पे बस आप नाम देख लीजिए, इसी स्लाइड में मैं आपको आगे इसको डिटेल में समझाऊंगी. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अदर फंक्शन विच इज ऑफ लेंडिंग मनी. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज लेंडिंग ऑफ मनी टू द पब्लिक. नाउ सेकेंड फंक्शन क्या होता है, जैसे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वैसे ही पब्लिक को वो पैसे भी क्या करती है, लेंड करती है, उधार देती है, क्रेडिट पे देती है. राइट, नाउ इट टेक्स द फॉर्म ऑफ लोन्स. किस फॉर्म में देती है, लोन्स के फॉर्म में देती है या एडवांस के तौर में देती है, किसको देती है, अपने कस्टमर्स को देती है एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही तय होता है, फिक्स होता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अपने कस्टमर्स को लोन्स एंड एडवांसेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है. लोन्स आर ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. जो लोन पब्लिक को दिया जाता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है. द बोरोअर मे बी गिवन द एंटायर अमाउंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स. जो बोरोअर है, जो जिनको पैसा लेंड किया जा रहा है, उस पर्सन को या तो पैसा लमसम दे दिया जाता है, एक साथ सारा अमाउंट दे दिया जाता है, या तो उसको वो पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं. लोन्स आर एंड एडवांसेस आर जनरली ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन एसेट्स. तो जो भी लोन या हम एडवांस देता है बैंक, तो उसको कैसे देता है, उसके बदले में कोई एसेट आपको क्या करना पड़ता है, एज अ पेपर, एज अ प्रूफ वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है. सो वहाँ पे आप क्या करोगे, एज अ सिक्योरिटी अपने एसेट्स को आपको वहाँ पे पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है, ताकि बैंक क्या हो जाए, अश्योर्ड हो जाए कि कल को अगर आप पैसे नहीं चुका पाए तो बैंक क्या कर सकता है, आपके एसेट्स को यूज़ करके अपना मनी क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है. सो एज अ सिक्योरिटी आपको अपना कोई भी एसेट वहाँ पर देना पड़ सकता है. द क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय द बैंक इज यूजुअली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विच टेक्स द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट. सो देखिए, जो क्रेडिट फैसिलिटी बैंक देता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए देता है. शॉर्ट पीरियड मतलब था 1 ईयर तक का, राइट. एंड मोस्टली यहाँ पे कह रहा है कि वो कैश क्रेडिट का फॉर्म ले लेता है. कैश क्रेडिट को अगर डिवाइड करो, कैश क्रेडिट मतलब बैंक क्या कर रहा है, आपको कैश प्रोवाइड कर रहा है लेकिन क्रेडिट पे, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको उधार एडवांस दे रहा है बैंक एक तरीके से. आपके अकाउंट में पैसे ना होते हुए भी बैंक आपको क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट बोलते हैं, राइट. कई बार ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स देता है. ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब मैं आपको डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट अभी मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ. कैश क्रेडिट मैंने आपको बताया अभी. ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आपके पास पैसे, सपोज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़, लेकिन आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड कर सकते हो. आपके पास 1 लाख है बट आपने 1,20,000 स्पेंड कर दिया, तो वो 20,000 जो अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी एन ओवरड्राफ्ट अमाउंट, और बैंक उसके बदले में आपसे क्या करेगा, चार्ज करेगा उसके लिए अमाउंट. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, देन कैश क्रेडिट प्रोवाइड करता है, राइट. तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक तरीके का क्या हुआ, लोन हुआ, एडवांस हुआ, जिसमें आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन बैंक आपको उधार दे रहा है, एडवांस दे रहा है एक तरीके से, ठीक है. As stated earlier, banks also provide loans for a medium term and long period. मैंने आपको ये last lecture में ही बताया था कि पहले तो bank short periods के लिए loan देते थे, but आजकल bank medium terms के लिए भी, long term के लिए, यानी कि 5 साल तक के लिए और 5 साल से ऊपर के लिए भी आजकल loan provide करने लग गए. तो दो फंक्शन थे, पहला एक्सेप्टेंस डिपॉजिट्स एंड दूसरा था लेंडिंग ऑफ मनी. पैसे जब लेता है पब्लिक से और पब्लिक को पैसे लेंड भी करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंडरी फंक्शंस. दो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, पहला होता है एजेंसी सर्विसेज एंड द सेकेंड वन इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. देखते हैं क्या क्या एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो बैंक क्या होता है, एक तरीके का वो क्या बन जाता है, अपने कस्टमर्स के लिए एजेंट्स की तरह काम करता है, ठीक है. हमारे बैंक के जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके लिए वो एज एन एजेंट क्या करता है, काम करता है. जैसे collection and payments of checks and bills. Now, bank क्या करता है, customer के behalf पे check accept करता है, bills accept करता है, वो पैसे वो collect करता है और उसके बाद वो पैसे क्या कर देता है, customer के account में डाल देता है, ठीक है. Then
कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स इंटरेस्ट एंड रेंट्स बैंक का काम होता है. अगर कस्टमर ने अगेन बोला कि उसको ये सर्विसेज चाहिए तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर के बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट करेगा, इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, राइट, रेंट कलेक्ट करेगा और फिर वो कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. डेफिनेटली इन सब सर्विसेज के बदले में वो क्या चार्ज करता है, पैसे चार्ज करता है. बच्चों ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ बेसिक हेडिंग याद करनी है, तो इस पर इतना टाइम मत वेस्ट करिएगा, ठीक है. सिंपली आपको ये सर्विसेज याद करनी है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना है. सिंपली कलेक्शन एंड पेमेंट, जैसे पेमेंट भी करते हैं चेक का और बिल का कस्टमर को, उसके अपने बैंक के कस्टमर को दूसरे कस्टमर के बिहाफ पे, देन डिविडेंड्स इंटरेस्ट रेंट कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, पे करते हैं. देन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे बैंक क्या करता है कंपनीज के, जो जैसे सपोज कोई कंपनी कस्टमर है तो उनके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों को भी क्या करता है, वो सेल करता है. शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको फाइनेंस वाले चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी. अभी यहाँ पे आपको सिर्फ क्या याद करना है कि सिक्योरिटीज जो होती हैं जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें भी बैंक क्या करता है, परचेज करता है, सेल करता है, किसके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे. बच्चों एक बात समझो, यहाँ पे जो ये एजेंसी सर्विसेज है, इसमें जो बैंक है वो एज एन एजेंट काम कर रहा है किसके लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है. कस्टमर्स जैसी अगर कुछ वो रिक्वेस्ट करते हैं बैंक से, तो बैंक क्या करता है, ये सारे काम करता है उसके बिहाफ पे. जैसे वो चेक को बिल लेता है और फिर कस्टमर के अकाउंट में डाल देता है, डिविडेंड इंटरेस्ट रेंट वगैरह वो लेता है, देन परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज का काम करता है, एंड इसके बदले में वो अपनी जो भी फीस कह सकते हो या आप कमीशन कह सकते हो, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, चार्ज करता है. डेफिनेटली बैंक विल नॉट डू एनीथिंग ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बदले में वो पैसे चार्ज करता है. ओके, नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. इसमें क्या होता है, ओके, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स नॉट ओनली टू द कस्टमर्स बट ऑल्सो टू द जनरल पब्लिक. मतलब कस्टमर्स को तो देता ही देता है अपने, बट जनरल पब्लिक को भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. और कैसे प्रोवाइड करता है, पेमेंट ऑफ अ फी, उसके बदले में एक फीस चार्ज करता है और फीस के बदले में आपको ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसे फर्स्ट इश्यू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स, ट्रैवलर्स चेक. सो बैंक ड्राफ्ट ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे, पे ऑर्डर भी बताऊंगी, और ट्रैवलर्स चेक मैंने आपको लास्ट उसमें डिटेल में बताया था. जब सपोज आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और ट्रैवल करते वक्त क्या हुआ, आप चेक लेके जा रहे हो ट्रैवलर्स का चेक, तो वहाँ पे जब आप बैंक में चेक दोगे तो उसी करेंसी में आपको वो पैसे मिल जाएंगे, राइट. पे ऑर्डर देती है, राइट. पे ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि आप को पेमेंट कहीं पे देनी है या कहीं से पेमेंट लेनी है तो आपको ये इजी हो जाता है. सिमिलरली बैंक ड्राफ्ट्स भी होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी. यहाँ पे आपको इसके लिए सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, नेम याद करना है. देन इशू लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली किस प्रोसीजर में आता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के टाइम पे आता है. ओके, नाउ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर में क्या होता है, जैसे आप गुड्स क्या करने वाले हो, किसी को एक्सपोर्ट करने वाले हो, राइट. तो वो क्या करता है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर से बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये पैसे मेरे क्या हैं, सेफ है. तो बैंक क्या करता है, उस बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, इम्पोर्टर की पेमेंट एक्सपोर्टर को मिल जाए, ताकि और एक सिक्योरिटी हो जाए कि पैसे क्या हैं, सिक्योर्ड हैं. देन सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स इन सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. बैंक लॉकर्स प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने वैल्यूएबल्स रखते हो. ATM कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, फ़ोन बैंकिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है. वह फिर से मैं कह रही हूँ बच्चों, ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे सिर्फ नाम याद करना है आपको. ये सारी डिटेल्स आपकी इस PPT में और अगली PPT में कवर हो जाएगी इसकी डिटेल में. यहाँ पे आपको इसका कुछ भी डिटेल नहीं करना है, सिर्फ फंक्शंस में आपको क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके नेम को याद करना है, दैट्स ऑल. इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है. ओके, नाउ एक बार मैं आपको फिर से ये चीज बताना चाहूंगी. एजेंसी सर्विसेज में अगेन आपको ये सिर्फ नेम्स याद करने हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है इसमें.
ओके, नाउ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, जो मैंने आपको बोला था फर्स्ट वाले में आगे पढ़ाऊंगी. नाउ पहला क्या होता है, सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट. दीज डिपॉजिट्स आर एम टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग पीपल. तो सेविंग डिपॉजिट का काम, अकाउंट का मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों के अंदर हम कैसी हैबिट डेवलप करें, सेविंग्स की डेवलप करें. सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट से, जैसे कि 100 रुपये से. बैंक में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करने गए हो तो एक मिनिमम 100 रुपीज दे के भी आप क्या कर सकते हो, सेविंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हो. डिपॉजिट कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस अकाउंट. जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हो. हाउ एवर देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स. विड्रॉल्स क्या होता है, पैसे निकालना अकाउंट से. लेकिन जितनी बार आप डिपॉजिट कर सकते हो उतनी ही बार आपको विड्रॉ करने की परमिशन नहीं होती है. उसमें क्या होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, एक लिमिटेड टाइम होता है, नंबर होता है कि इतनी बार ही आप इतना पैसा निकाल सकते हो. नाउ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन मिनिमम डेली बैलेंस. जो भी आपका बैलेंस होगा आपके सेविंग्स अकाउंट में, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा. एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें, वो नॉर्मली बाकी अकाउंट से, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, तो इन सब अकाउंट से क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो जनरली क्या होता है, लो होता है, कम होता है. ना सेविंग्स अकाउंट में आपको क्या इशू की जाती है, पासबुक इशू की जाती है. और जिसका अकाउंट होता है वो क्या कहलाता है, सेविंग्स अकाउंट होल्डर कहलाता है. उसमें पासबुक में क्या होता है, कितना आपने डिपॉजिट किया है, कितना आपने विड्रॉ किया है, वो सारे उसमें क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस पेंशन होते हैं. एंड इवन आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी आपको कैसे पता चलता है, वो भी आपको कैसे पता चलता है, अपनी पासबुक से पता चल सकता है. ओके, तो सेविंग्स अकाउंट हम क्यों खोलते हैं, ताकि हम इनकरेज कर सकें लोगों के अंदर सेविंग्स की हैबिट को डेवलप कर सकें. एंड एक मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ दे के आप बैंक में क्या कर सकते हो, सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हो. डिपॉजिट्स जो आप कर रहे हो तो बैंक अकाउंट में, वो जितनी बार भी आप चाहो उतनी बार कर सकते हो. हाउएवर पैसे जमा करने के तो कोई इशूज नहीं होते, लेकिन विड्रॉल के बैंक में क्या लगा रखे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे, एक लिमिटेड अमाउंट है और टाइम्स है, उतनी ही बार आप पैसे निकाल सकते हो. इंटरेस्ट जो भी आपको मिलता है, जो भी बैलेंस आप मेंटेन करते हो उस पर मिलता है. एंड जो भी इंटरेस्ट होता है जनरली, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं तो उनसे जो भी इंटरेस्ट सेविंग से मिलता है वो क्या होता है, कम होता है. नाउ सेविंग अकाउंट होल्डर्स को पासबुक इशू की जाती है. पासबुक क्या, एक जर्नल बुक है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपने कितना विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस आप उसमें मेंशन होते हैं. आप बैंक जाओगे, पासबुक दोगे अपनी, वो आपको आपका पासबुक अपडेट करके दे देंगे. एंड इवन उसमें ये भी मेंशन होता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, पासबुक देख के आपको पता चल जाता है. सो दिस वाज योर सेविंग्स अकाउंट. नेक्स्ट होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट अकाउंट मोस्टली बच्चों जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऑपरेट करते हैं. ओके, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए. नाउ इसमें क्या फ़ायदा होता है, अगर मैं बोलूँ सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है. सेविंग अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. बट यहाँ पे जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. जब भी आप पैसे जमा करना चाहो जमा कर सकते हो, जितनी बार भी आप विड्रॉ करना चाहो आप विड्रॉ कर सकते हो. मनी कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय मीन्स ऑफ चेक. जब भी आप चाहो चेक के थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकते हो. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती डिपॉजिट के इन अकाउंट में, ना डिपॉजिट की होती है ना विड्रॉल की होती है. लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, यहां पे इंटरेस्ट पे नहीं होता है. ओके ओके, यहां पे अगर आप देखो, फिर से मैं हाईलाइट कर रही हूं रेड कलर से, यहां पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है. हाउएवर यहां पे कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती हैं. ओवरड्राफ्ट रिमेंबर मैंने बताया था, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप जितने पैसे हैं उसके अलावा भी बैंक आपको अलाउ करता है कि आप उससे ज़्यादा पैसे क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो. ये एक तरीके की क्या होती है, क्रेडिट फैसिलिटी होती है. और इसके लिए बैंक क्या करता है, आपसे चार्ज करता है. ठीक है, करंट डिपॉजिट्स को और क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं. नाम याद कर लीजिएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, एज दे आर पेबल ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर्स. तो इसको डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिटर है जब भी वो डिमांड करता है, याद है बैंक की डेफिनेशन,
रीपेबल ऑन डिमांड. सो जैसे ये डिमांड करते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. इसमें भी पासबुक इशू की जाती है अकाउंट होल्डर को. तो एक बार मैं रिविजन करना चाहूँगी, सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है. पहले देखते हैं, सेविंग्स अकाउंट नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक मोस्टली ऑपरेट करती है, लेकिन जो करेंट अकाउंट होता है मोस्टली किसके लिए होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के होता है और बिजनेसमैन के लिए होता है. सेविंग्स अकाउंट में आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो, मिनिमम बैलेंस है. करंट अकाउंट भी आप सिंपली ऐसे ही ओपन कर सकते हो. नाउ सेविंग्स अकाउंट में सबसे अच्छी बात क्या है, जितना चाहो पैसा डिपॉजिट कर सकते हो. ये चीज़ करंट अकाउंट में भी है, बट सेविंग अकाउंट्स में विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. करंट अकाउंट में विड्रॉल की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. सेविंग अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है. बट करंट अकाउंट में जब चाहे तब पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो. पासबुक इसमें भी इशू होती है, पासबुक इसमें भी इशू होती है. ओके, एंड इंटरेस्ट मेन चीज, आपको इंटरेस्ट सेविंग्स में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट. ओके, नेक्स्ट होता है एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. एफडी अकाउंट को हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं. ओके, एफडी अकाउंट को टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी बोला जाता है. ओके, एज द नेम सब्जेक्ट फिक्स, यहां पे पैसों को एक टाइम पीरियड के लिए क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है. अ फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन केस ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. तो जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट होता है उसको क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए. कहाँ पे, अपने एफडी के अकाउंट में. एग्जाम्पल 1 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकते हैं, 5 ईयर्स हो सकते हैं, और भी हो सकता है टाइम ड्यूरेशन. जैसे ही ये फिक्स पीरियड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. द डिपॉजिट इज पेबल विथ इंटरेस्ट, जो भी पैसा आपने जमा किया है उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाया जाएगा. अ हायर रेट, सब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हायर होता है, इज ऑफर्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट. डेफिनेटली लोग इतने लंबे समय तक पैसा अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो कुछ फायदे के लिए करेंगे, तो इसीलिए बैंक क्या करता है, एफडी में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है. एंड डिपॉजिट, जितना पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, वेरी करेगा, अलग अलग होगा. एंड बैंक इसके लिए पासबुक प्रोवाइड नहीं करता है, ना कोई चेकबुक प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट एंड डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ ऑफ डिपॉजिट हैव बीन मेड. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है एफडी का ज़्यादा होता है, और जितनी लंबी ड्यूरेशन होगी उतना ही इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, बहुत बढ़िया अकाउंट होता है. इसमें क्या होता है, जो लोग हर महीने कुछ ना कुछ पैसा सेव करना चाहते हैं उनके लिए क्या होता है, बेस्ट होता है. मुझे भी सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, मैं भी बहुत ज़्यादा रेकरिंग अकाउंट ओपन करती हूँ, यूज़ करती हूँ. इसमें देखते हैं कैसे काम चलता है. इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट द अकाउंट होल्डर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी एवरी मंथ फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एग्जाम्पल 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर एक्सेट्रा. तो जो रेकरिंग अकाउंट होता है उसमें जो रेकरिंग अकाउंट होल्डर होता है उसको क्या करना होता है, एक स्पेसिफाइड, मतलब एक जो भी अमाउंट उसने फिक्स कर लिया है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है, वो पैसा हर महीने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो क्या करेगा, जमा करेगा. जैसे मैं क्या करती हूँ, हर महीने 2000 या 3000 की मैं रेकरिंग अकाउंट ओपन करती हूँ, मोस्टली 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए. ठीक है, इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलता है, हर महीने महीने में पैसे जमा करती जाती हूँ बैंक में, राइट, और एक साल का या 2 साल जो भी मैंने किया उसके बाद वो पैसा मुझे इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है. इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको एक साथ पूरा पैसा जमा नहीं करना है, आपको हर महीने एक अमाउंट क्या करना है, फिक्स अमाउंट जो भी आपने डिसाइड किया है, हर महीने एक स्पेसिफाइड डेट को आपको वो पैसा अपने रेकरिंग अकाउंट में जमा करना होता है. Now, at the end of the period, जैसे time खत्म हो जाता है, the accumulated amounts, यानी कि जो सारा amount इकट्ठा हुआ है उसको interest के साथ आपके account, जो भी account holder है उसको pay कर दिया जाता है.
विड्रॉल्स बिफोर मैच्योरिटी इज नॉट अलाउड. मतलब अगर जब तक अगर मैंने आप एक साल का रेकरिंग अकाउंट ओपन किया है तो एक साल से पहले मैं विड्रॉल नहीं कर सकती. इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट चेकबुक फैसिलिटी अवेलेबल. चेकबुक अच्छा अवेलेबल क्यों नहीं है एफडी में और आरडी में? क्योंकि हम पैसे विड्रॉ ही नहीं कर सकते. चेकबुक हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम पैसे विड्रॉ कर सकें या जमा कर सकें. हमें इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट्स को हम क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं. अब पासबुक इशू टू अकाउंट होल्डर, लेकिन इसमें क्या इशू की जाती है? पासबुक इशू की जाती है जिससे बिजनेस डिपॉजिटर को ये पता चलता है कि हर महीने उसका कितना पैसा कितना जा रहा है. वो उसका क्या कर सकता है? पूरा रिकॉर्ड रख सकता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता है ऑफर किया जाता है, अगेन सेविंग अकाउंट से क्या होता है? ज़्यादा होता है. ओके, तो सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, आरडी में भी इंटरेस्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए. सेविंग अकाउंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया, देन मैंने आपको बताया रेकरिंग कैसे करते हैं, एफडी अकाउंट्स क्या होते हैं, करंट अकाउंट्स क्या होते हैं, एंड इसके बाद हमने बताया कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं. डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और मनी लेंड करना प्राइमरी फंक्शन होता है. सेकेंडरी फंक्शन में हमने पढ़ा एज एन एजेंसी वो काम करता है और अदर भी फंक्शंस हेल्प प्रोवाइड करता है पब्लिक को. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. इसको ध्यान से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा. And if you have any problems, you can contact at this number 7380515253 or you can contact our website www.nios.visionpoint.co.in. Thank you so much. Bye-bye.